नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकैट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं पिछले कुछ सालों से एज अ साइकैट्रिस्ट अकोला महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है स्टैमरिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हकलाना। हकलाना या स्टैमरिंग बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनरल पब्लिक को और पेरेंट्स को और बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि हकलाना एक्चुअली ये प्रॉब्लम है और ये अच्छा हो सकता है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ले तो स्टैमरिंग पूरी तरह अच्छा हो सकता है। स्टैमरिंग के टाइप्स क्या क्या है, प्रकार क्या क्या है? बहुत लोग स्टैमरिंग में शुरू में हकलाते हैं, कोई शब्द बोलने के पहले ही हकलाते हैं। कुछ लोग साउंड प्रोलोंगेशन करते हैं, मतलब शब्दों को लंबा लंबा खींचते हैं। कुछ लोग ब्लॉक्स लेते हैं या पॉजेस लेते हैं, मतलब बीच बीच में रुक जाते हैं। कुछ लोग बात करते नहीं आई इसलिए इशारे करते हैं, आंखें मिचकाते हैं या कंधा जो है वो उड़ाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के हक का हकलाना हमें देखने मिलता है। बेसिकली स्टैमरिंग या हकलाना मतलब जो भी हम स्पीच बोल रहे हैं या शब्द बोल रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें हम बीच बीच में रुकते हैं या लंबा लंबा पॉज लेते हैं या रुक रुक के बोलते हैं या अच्छी से उसका स्पष्ट उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, तो उसको हम बोलते हैं स्टैमरिंग। स्टैमरिंग लगभग 1% बच्चों में, 1% ऑफ जनरल पॉपुलेशन में हमको मिलता है। ये अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 साल के उम्र तक हमको पाया जाता है, हमको मिलता है पूरे इंडिया में। प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको ट्रीटमेंट बराबर दी नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। स्टैमरिंग या हकलाने के साथ साथ अगर स्टैमरिंग अगर बच्चों में अगर ये कंटिन्यू होते गया तो स्टैमरिंग के साथ साथ बच्चों में डिप्रेशन पाया जाता है, क्योंकि स्टैमरिंग से इतने सब उसको प्रॉब्लम्स निर्माण होते हैं कि उसको डिप्रेशन तैयार हो सकता है। सोशल एंग्जाइटी तैयार हो सकती है, मतलब पब्लिक में या सोशली बाहर न घूमने जाना, आइसोलेशन मतलब अकेला अकेला रहना या डिप्रेशन आ जाना, या बच्चों का स्कूल में जाना अवॉइड करना मतलब स्कूल फोबिया, या एग्जाम्स में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होना, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो सिंड्रोम्स है या डिजीज है वो स्टैमरिंग में हो सकते हैं। एटियोलॉजी क्या है, स्टैमरिंग होता क्यों है? तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि बहुत बार इसके जेनेटिक कॉजेस है, मतलब अगर पेरेंट्स में स्टैमरिंग हुआ है तो बच्चों में भी ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं, कंपलसरी नहीं है कि पेरेंट्स में अगर स्टैमरिंग था तो बच्चों में होता ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर जेनेटिक कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इमिटेशन। बहुत बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो ब्रेन है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता, तो वो हमेशा इमिटेट करते रहते हैं, जो भी आसपास जो भी चल रहा है उसको पकड़ लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि जब भी बच्चों के आसपास कोई हकलाते रहता है तब उसे वो पकड़ लेते हैं और उसी की प्रैक्टिस कर करके वो भी हकलाना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि वो इमिटेट तो नहीं कर रहा है। अगर वो इमिटेट कर रहा है तो हमें वो तुरंत हैबिट या जो उसकी आदत है वो तोड़नी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब यदि अगर बच्चों को स्ट्रेस हो, पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा हो, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो, कोई बच्चों का एब्यूज़ कर रहा है, बार बार क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, अगर स्कूल्स चेंज हो रही है, वातावरण चेंज हो रहा है, अगर आजू बाजू का वातावरण बहुत तनावपूर्ण या स्ट्रेसफुल है तो स्टैमरिंग हो सकता है। स्टैमरिंग होने के कारण जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इसीलिए उसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्टैमरिंग की ट्रीटमेंट होना। क्या स्टैमरिंग अच्छा हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली स्टैमरिंग अच्छा हो सकता है। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि स्टैमरिंग कितने दिन चलता है, तो मेरा जवाब ये है कि स्टैमरिंग बहुत सारे बच्चों में रिजॉल्व हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो स्टैमरिंग धीरे धीरे कम हो जाता है। स्टैमरिंग बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस में, बहुत बड़े लीडर्स में भी पाया गया है। सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारे सामने है वो ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन एक बार बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे ट्रीटमेंट लेके वो स्टैमरिंग से बाहर आए और आज वो बहुत बड़े हीरो बन गए हैं। स्टैमरिंग या हकलाना, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है काउंसिलिंग, बच्चों की काउंसिलिंग करना। जब हम काउंसिलिंग करते हैं तब हम उन्हें बताते हैं कि हमेशा लंबी सांस ले, डीप ब्रीदिंग करें,
और रिलैक्स रहे। कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी तनावपूर्ण वातावरण हो, रिलैक्स रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है हिप्नोसिस, मतलब सम्मोहन। सम्मोहन द्वारा या हिप्नोसिस द्वारा हम उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागरूक कर सकते हैं और उन्हें कोई ऐसे सजेशंस दे सकते हैं जिससे उनका जो स्टैमरिंग है, जो हकलाना है, वो पूरी तरह बंद हो सकता है। तीसरा है रिमूवल ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, मतलब अंडरलाइंग क्या प्रॉब्लम है, या एब्यूज है, या उसे तनावपूर्ण वातावरण है, स्कूल चेंज हो रही है, क्रिटिसिज्म फेस हो रहा है, यदि वो पूरी तरह निकाला जाए तो स्टैमरिंग पूरी तरह बंद हो सकता है। चौथी ट्रीटमेंट है कि जो प्रॉब्लम्स है, जो उसको फियर है, यानी रिमूवल ऑफ द फियर एसोसिएटेड विद स्टैमरिंग, यानी जो स्टैमरिंग के साथ साथ जो डर निर्माण हो रहा है बच्चे को, वो निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा स्टैमरिंग करता भी है तो उसके साथ हंसना नहीं, उसकी मजाक नहीं उड़ाना और उसको सिग्निफिकेंस नहीं देना, मतलब ये नहीं उसको बताना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे उसे न बताना। अगर ये जो फियर है स्टैमरिंग से एसोसिएटेड, ये अगर निकाल दिया जाए तो पेशेंट को या बच्चे को ये ध्यान में आएगा कि ये बहुत ही फालतू प्रॉब्लम है जिसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और पेशेंट स्टैमरिंग करना बंद कर देगा। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फ्लुएंसी, मतलब जो भाषा है, जो उच्चारण है, उसे बदलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो डेफिनेटली हो सकता है। अगर हमने प्रॉपर पॉजेस दिए शब्दों के बीच में, बराबर पॉजेस देना, रिदमिक मूवमेंट करना, मतलब शब्दों में अगर हमने अच्छे से रिदम दिया, अगर शब्दों को हमने राइमिंग या सॉन्ग की तरह या पोयम की तरह हमने ये गाया या गा के सुनाया, तो जो शब्द है वो इजीली प्रोनाउंस किए जा सकते हैं। रोज सुबह अगर हमने अच्छे से स्लोली कड़क आवाज में अगर उच्चारण किया, मोनोटोनस स्पीच में अगर उसके भाषांतर किया, स्पीच दिया, तो स्टैमरिंग डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकता है। लास्टली ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है, मेडिसिंस है, जिससे स्टैमरिंग डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकता है। स्टैमरिंग की हम ट्रीटमेंट रेगुलरली करते आ रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। अगर यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को भी स्टैमरिंग है तो हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं जल्दी आगे के भी वीडियोज लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू।